तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ रोहन मकानिया। तो आज आपको फ्रेम में दिख रही होगी दो रियल एसयूवी, अब स्कॉर्पियो एन है और एक है अपनी फॉर्च्यूनर। अब लोग ये महिंद्रा वाले कहते तो हैं कि इसको इसी के सेगमेंट में डाला है, यानी डी सेगमेंट एसयूवीज में डाला है, पर क्या रियली इनका कॉम्पिटिशन है आपस में? तो आज हम एक ड्रैग रेस की वीडियो के द्वारा इनका कॉम्पिटिशन देखेंगे कि इनकी क्या परफॉर्मेंस है दोनों की, क्योंकि दोनों काफ़ी लोग अब जो है इंटरनेट पे इनको वो करते हैं कि ये दोनों एक ही सेगमेंट की, एक ही सेगमेंट की है। तो आज देखते हैं, अब इनकी ड्रैग रेस करेंगे। अब मैं दोनों की इंजन स्पेक्स बता देता हूँ आपको। ये है 2.2 लीटर के डीजल एमोक इंजन और ये ऑटोमेटिक है। अब फॉर्चुनर भी अपनी ऑटोमेटिक है। इसकी हॉर्स पावर आती है 175 और टॉर्क है 400 Nm। और अपनी फॉर्चुनर है ये ओल्ड शिप वाली है, प्री फेस लिफ्ट वाली। ये इसका 2.8 लीटर का डीजल इंजन है जो कि हॉर्स पावर आती है इसकी 175 और टॉर्क आता है 450 Nm। अब दोनों ही रियर व्हील ड्राइव है, टॉर्क फॉर्चुनर का ज़्यादा है, वेट दोनों का इक्वल है। ये भी अपनी 2180 किलो की है, ये भी 2100-2200 किलो की है। तो इन दोनों की ड्रैग रेस करते हैं और देखते क्या रिजल्ट रहता है। बाकी आपको फॉर्चुनर के ओनर से मिलवाता हूँ। तो ये भाई अपने इलावत भाई की है। कैसे हो इलावत भाई? आप बताओ कैसे हो? बढ़िया। तो भाई उस दिन रह गई थी हमारी मोस्ट डिमांडिंग, भाई उस दिन रह गई थी किसी इशू की वजह से। तो आज अब बेसब्री से इंतजार था कि कब करे कब करे। अब फुर्सत वाले दिन कर रहे हैं आराम से और बिल्कुल तरीके से करेंगे, सारे मोड वोड में सब चेक कर लेंगे। और भाई मेरे को तो फॉर्चुनर ही लग रही है, ये है रियल बिग डैडी ऑफ एसयूवी, ये जीतेगी भाई। इसको तो बस नाम से ही कह रहे हैं, पता नहीं क्यों। वैसे पेट्रोल स्कॉर्पियो जीत गई थी। पेट्रोल तो भाई, फिर पेट्रोल तो पेट्रोल है, सेम है। मेन तो फिर इनका डीजल में कंपटीशन है ना। अब अगर नई वाली हो तो उसमें तो फॉर्चुनर ही जीतेगी, क्योंकि इसकी हॉर्स पावर टॉर्क बढ़ा दिया दोनों। पर ये भाई ये सेम मेन कंपटीशन इनका ही है। तो भाई अब करते हैं ड्रैग रेस और आपको दिखाते हैं क्या रिजल्ट रहते हैं। तो भाई आ गए हैं पहले राउंड के लिए और फुल पोटेंशियल में चलाएंगे। और इसको डाल देता हूँ जूम मोड में। ये लग गया भाई जूम मोड, ट्रैक्शन ऑफ, इसका एसी ऑफ। उनसे पूछ लेते हैं कि एसी ऑन रखेंगे कि ऑफ रखेंगे। भाई एसी ऑन ऑफ, हेलो एसी ऑन। ऑन कर दिया भाई, चलो एसी ऑन कर दिया भाई। पहले राउंड में एसी ऑन रहेगा, ट्रैक्शन ऑफ, जूम मोड अपना। तो भाई राउंड वन हो चुका है स्टार्ट। और तो भाई अपनी फॉर्च्यूनर आगे निकलते हुए, भाई फॉर्च्यूनर अभी आ गई है भाई, पर गैप नहीं है बिल्कुल भी, गैप नहीं है बिल्कुल भी, देख रहे हो बराबर बराबर से चल रही है, गैप नहीं है इतना। अब तो काफी गैप बना लिया उसने, एक गाड़ी का भी नहीं है भाई गैप, तो गैप बहुत कम है, कवर तो नहीं कर पाएगी भाई। हाँ 140 पहुंच गई भाई। भाई लॉन्च बढ़िया हो जाती है ना, वो ये लॉन्च नहीं हो पाती ढंग से, व्हील स्पिन वगैरह नहीं मारती अपनी फॉर्च्यूनर ही हो गई। हाँ फर्स्ट राउंड की फॉर्च्यूनर है, दोबारा करके देखते हैं कुछ फर्क रहेगा नहीं रहेगा। हाँ जी भाई, लॉन्चिंग सही हुई थी। हाँ तो अभी काम कर लेते हैं, यही से करे नॉर्मल, नहीं हम एसी बंद करते हैं सभी का। चलो चलो इसका भी ऑफ कर दो, यही से करे, यही से कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के ऑफ कर ले, उसका भी ऑफ करोगे? हाँ एसी ऑफ कर दो। ठीक है तो भाई अब तो बराबर बराबर से चल रही है दोनों, कवर कर लेगी नहीं कर पाएगी भाई, फॉर्च्यूनर निकलेगी भाई आगे, पर गैप देखो बिल्कुल नहीं है यार, नहीं है बिल्कुल भी, बहुत कम गैप है भाई। फॉर्च्यूनर है तो फॉर्च्यूनर, तो टोयोटा है भाई। भाई बिल्कुल 130-135 पर दोनों साथ साथ चल रही थी, कोई इतना फर्क रहा नहीं। दोनों राउंड की विनर फॉर्च्यूनर रहती है भाई। अब इसको एक काम करते हैं, फॉर्च्यूनर को ना नॉर्मल मोड में डलवा के देखते हैं, नॉर्मल में चलाएंगे, थोड़ी एडवांटेज दे जरा स्कॉर्पियो को, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट रहते हैं। भाई इस बार इतना फर्क नहीं था भाई, फर्क तो था हमारा, मतलब कि एक काम करते हैं तुम जूम मोड में चलाओ, हम नॉर्मल मोड। हां नॉर्मल मोड में करो, ठीक है। मतलब कि अगर जैसे पहले से कंपेयर करें जब इसकी MUX क्लास हुई थी उससे तो बहुत ज्यादा खुल गई है, बहुत फर्क आ गया। ठीक है मैं जूम में और ट्रैक्शन ऑफ, ठीक है एसी दोनों का ऑफ रहेगा, ऑफ रहेगा दोनों का। तो भाई उनका रहेगा नॉर्मल मोड और हमारा जूम मोड ही रहेगा, फिर देखते हैं क्या फर्क रहता है। तो भाई एक चीज़ और है कि अब दोनों गाड़ियों में तीन तीन जने भी बैठ गए हैं, अब देखते हैं क्या फर्क रहता है, उनका नॉर्मल मोड ही रहेगा। थर्ड राउंड मैं कर रहा हूँ, 1 2 3 1 2 3
और स्कॉर्पियो का लॉन्च एक नंबर का हुआ की बार। हाँ, और भाई ये फिर भाई नहीं अब नहीं आती, कर रही है थोड़ा थोड़ा ये करी नहीं भाई नॉर्मल मोड में भाई वो ये तो देखो निकल गई नॉर्मल मोड में भी जीत गई आगे तो हो गई हल्की सी आगे भाई पर क्या करे अभी इसकी महिंद्रा की इंजीनियरिंग अलग है टोयोटा की अलग है क्या कर सकते हैं 140 में पहुंच गई भाई इतना कोई फर्क नहीं रहा बस ये है कि बिल्कुल जो होती है ना रस्सी वस्सी लगा के नॉर्मल मोड में है। हाँ ये तो है भाई फॉर्चुनर इज फॉर्चुनर यार ऐसी थोड़ी ना 50 लाख की कर रखी है टोयोटा ने भाई फिर भी आधे रेट में मिल रही है तो क्या बुरी है भाई स्कॉर्पियो जो है ना चाहे पैसे आधे हो तो भाई आगे बिल्कुल लास्ट राउंड पे अब मैंने एक बार बोला है कि सिंगल करो उसका नॉर्मल मोड रहेगा इसका रहेगा जूम मोड क्योंकि भाई वो नॉर्मल में भी चीता बन रही है गाड़ी पूरी करते हैं लास्ट राउंड स्टार्ट और आपको दिखाते हैं क्या रिजल्ट रहते हैं बिल्कुल आखिरी वाले राउंड का भाई इसका व्हील स्पिन थोड़ा ज्यादा रह गया और अब निकल गई नहीं बराबर चल रही है भाई बराबर चल रही है भाई ओए होए होए कितना बिल्कुल फर्क नहीं है ये इसका पांचवा लगते ही डाउन होगी भाई बिल्कुल इतना कोई गैप नहीं है पर जीतनी तो फॉर्चुनर नहीं है इतना तो पता ही है भाई कि फॉर्चुनर ही जीत गई है पर भाई गैप बिल्कुल नहीं था यार बिल्कुल ये समझ लो कि 120 पे क्रॉस करी है वो भाई बहुत बढ़िया मजा आया इस वाली ड्रैग रेस में मतलब जितना इसका वेट था ना इतना ड्रैग रेस का वो पूरा वर्थ है कि पूरा इसने अच्छे से गाड़ी ने परफॉर्म करा इस बार क्योंकि पिछली बार जो है मेरी गाड़ी जो है जब MUX के साथ करी थी तो अब कुल 800 किलोमीटर चली थी अब तो ये 4500 किलोमीटर चल गई है और ये अपने शौकीन भाई ये फुल ड्रिफ्टिंग भाई ये तो ड्रिफ्टिंग नहीं मारती अपनी गाड़ी तो भाई देखा आपने फॉर्चुनर ही विनर रहती है चाहे स्कॉर्पियो का एडवांटेज दे दो पर फिर भी उसके हिसाब से इसके प्राइस के हिसाब से इसने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी कि जैसे लोग इस वाली फॉर्चुनर को इससे कंपेयर करते हैं तो दोनों बराबर है वैसे ये तो ड्रैग रेस है हाईवे तो सामने चलना 80-90 पे ही होता है तो अब करते हैं एंड और आपको दिखाते हैं प्रथम भाई से पूछते हैं उनको क्या फ़र्क लगा क्या नहीं तो भाई देखा आपने ड्रैग रेस में कितना मज़ा आया इन दोनों की भाई दोनों गाड़ियाँ एकदम एक नंबर भाग रही थी स्कॉर्पियो ने इस बार अच्छी टक्कर दी पर भाई फॉर्चुनर तो फॉर्चुनर है टोयोटा है वो निकली गई 120 के बाद उसने कवर कर ही लिया तो भाई यही कुछ इनका रिजल्ट था और मज़ा बहुत आया ड्रैग रेस करके अब आपको दोनों भाई से और पूछवाता हूँ कि अपने प्रथम भाई ने चलाई थी फॉर्चुनर प्रथम भाई क्या लगा आपको फिर भाई फॉर्चुनर बिग डैडी है फॉर्चुनर तो है ही बिग डैडी क्यों लावत भाई बिल्कुल जीत ही गई वो मजा आया पर इतना कोई मेजर फर्क नहीं था कि क्योंकि गैप नहीं था जैसे पजेरो और उसमें बना रही थी पजेरो तो बहुत सिंगल में 120 के बाद निकली फॉर्चुनर साथ में चल रही थी पर भाई हाँ नॉर्मल मोड था एक बात बताऊं फेयर रेस करे ना 200 बनती है 200 BHP वाली से आज के टाइम की जो गाड़ी आज के टाइम 2022 पर अगर रेट के हिसाब से देखो तो सेकंड हैंड 25 लाख की मिलेगी जो ये नहीं आ रही है तो उसके हिसाब से तो ठीक है तो भाई ठीक है भाई वीडियो करते हैं एंड वीडियो अच्छी लगी तो आपको बताया करना लाइक करना शेयर करना कमेंट करना और सब्सक्राइब करना अपने चैनल को अपने इलाहाबाद भाई के चैनल को भी और अपने प्रथम भाई के चैनल को भी तो ठीक है गाइस थैंक यू मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।